दोस्तों, यूपी के जितने भी दिव्यांग पेंशन लाभार्थी, अब उनके सामने एक नई मुसीबत आ चुकी है। जैसा कि आप जब आवेदन की स्थिति चेक करते हैं, जैसा कि आप जब अपने पेंशन का स्टेटस चेक करते हैं, तो यहां पर आपको आवेदन की स्थिति में यहां पर पहले जो है तीनों स्टेप यहां पर वेरीफाइड होते थे, लेकिन यहां पर तीसरा स्टेप आप देखते हैं तो यहां पर लिखा होता है एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन। आप यहां पर देख सकते हैं ये इशू जो है क्यों आपके सामने जो है देखने को मिल रहा है। जैसा कि ये तीसरा स्टेप जो है आधार वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन अभी तक यहां पर पेंडिंग ही लिख के आ रहा है, जबकि आप जो है अपने पेंशन के साथ जो है केवाईसी वगैरह सब कुछ एक्टिव करा लिया था, लेकिन अब जो है आप देखते हैं तो यहां पर जो है आधार अभी तक पेंडिंग बता रहा है। जैसा कि आप जब अपना आधार कार्ड अपने पेंशन के साथ जो है केवाईसी एक्टिव कराया था, तो यहां पर तीनों स्टेप जो है ग्रीन टिक में टिक लगे हुए थे, सही का निशान लगा हुआ था, लेकिन आप जब यहां पर अभी चेक कर रहे हैं तो यहां पर जो है अभी एरर इशू यहां पर कुछ इस तरह का शो के आ रहा होगा। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो है किस तरह से सही होगा, क्या आपको जो है जुलाई अगस्त सितंबर का पेंशन का पैसा अब की बार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये इशू जो है कैसे सही होगा, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि हर एक पेंशन रिलेटेड संबंधित वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जितने भी यूपी के दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, कुछ पेंशन लाभार्थियों के पेंशन के आवेदन की स्थिति में यहां पर तीसरा स्टेप जो है एरर लिख के आ रहा है कि आपको जो है दोबारा अपना केवाईसी कराना होगा। आपको कैसे जो है अपना आवेदन की स्थिति भी चेक करना है आगे मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। आपको मैं सबसे पहले बता देता हूं कि ये इशू जो है, ये एरर जो है किस तरह से आपको सही कराना है, किस तरह से सही करना है। जैसे कि ये इशू तब आता है जब आपका आधार कार्ड जो है आपके बैंक के साथ आपके पेंशन के ई केवाईसी के साथ जो है मिसमैच हो जाता है। जैसा कि आपका नाम जो यहां पर एप्लीकेशन नेम लिखा होता है, इस नाम में जो है कुछ ना कुछ बदलाव आप किए होंगे, जैसा कि आप अपने आधार कार्ड में कुछ नाम चेंजिंग कराए होंगे, इसलिए जो है आपके पेंशन में जो है यहां पर आधार केवाईसी भी डीएक्टिवेट हो चुका है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं इनका नाम जो है आधार कार्ड में कुछ और हो गया है, और यहां पर इनके पेंशन में जो है पहले कुछ और था, यहां पर आप देख सकते हैं, इसीलिए जो है इनका यहां पर आधार मिसमैच लिख के आ चुका है। और दूसरा कारण यह है कि आपका सब कुछ सही है, आधार कार्ड में भी सही है और आपके पेंशन में नाम भी सही है, तो क्यों जो है ये एरर जो है आपके सामने देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपका मोबाइल नंबर भी जो है डीएक्टिवेट भी हो सकता है, जैसा कि आप जो अपना मोबाइल नंबर लगाए थे आपका वो मोबाइल नंबर जो है डीएक्टिवेट भी हो चुका है, बंद हो चुका है, इसीलिए जो है आपका केवाईसी दोबारा यहां पर मांग रहा है, आपको दोबारा यहां पर अपना केवाईसी करना होता है। तो कैसे आप जो है दोबारा अपना केवाईसी करेंगे, जैसा कि ये जो है कैसे सही होगा, अगर आपका नाम गलत होता है तो वो जो है कहां से सही होगा, और कैसे जो है आप अपना केवाईसी को एक्टिव करेंगे, और क्या आपको जुलाई अगस्त सितंबर का पेंशन का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना होता है, यहां पर जो तीसरा स्टेप है ना ब्लू कलर में आप देखेंगे तो यहां पर स्टेप 3 लिखा होता है ना, तो आपको सिंपली इसी पे टच करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, और इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये केवाईसी के लिए यहां पर अगला स्टेप कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो आपको थोड़ा नीचे आना है और यहां पर आपको अपना आधार केवाईसी करना है। यहां पर आप देखते हैं यहां पर लिखा होता है आधार सत्यापन, और यहां पर लिखा होता है आवेदक का नाम, नाम जो आधार कार्ड पर अंकित हो। जैसा कि यहाँ पर आपका नाम अगर नहीं शो हो के आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपका आधार कार्ड में नाम जो है आपके पेंशन से जो है डिसमैच हो चुका है, जैसा कि कुछ स्पेलिंग जो है गलत हो चुकी हैं, इसीलिए जो है आपका नाम यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया होगा, डीएक्टिवेट हो गया होगा मोबाइल नंबर, तब तो आपके इस कंडीशन में जो है आपका नाम यहाँ पर शो हो के आता होगा, जैसा कि आधार कार्ड और पेंशन के स्टेटस में जो है आपका नाम दोनों सेम होंगे, तब यहाँ पर इस कंडीशन में आपका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड और आपको यहाँ पर अपना लिंक चूज करना है, और उसके बाद में यहाँ पर ब्लू टिक पे लगाना है और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद में तब आपको क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पेंशन के साथ जो है आपका आधार कार्ड फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, आपका ई केवाईसी सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका यहाँ पर नाम नहीं शो हो रहा होगा तो आपको इस कंडीशन में क्या करना होगा, आपको अपने समाज कल्याण, जैसा कि आपको अपने नज़दीकी समाज कल्याण ऑफिस में चले जाना है, वहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड ई केवाईसी एक्टिवेट करा लेना है। आपके आधार कार्ड में जो भी आपका नाम होगा वही नाम को जो है अपने पेंशन के साथ भी एक्टिव कराना है, तभी आपका पेंशन का ई केवाईसी होगा, नहीं तो इस कंडीशन में आपका पेंशन का केवाईसी भी नहीं हो पाएगा और आपका पेंशन का पैसा भी नहीं आ पाएगा। और अगर आपका यहाँ पर नाम आता है तो आप इस कंडीशन में जो है आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही अपना केवाईसी जो है पेंशन का कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप कैसे जो है अपना पेंशन का स्टेटस चेक करेंगे, कैसे जो है आप अपने आवेदन की स्थिति को चेक करेंगे, तो आपको मैं चलिए उसको भी बता देता हूँ। जैसा कि आपको अपने मोबाइल में कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और
उसके बाद में आपको सर्च बार में यहाँ पर टाइप करना है SSPY, इतना डाल के आपको सिंपली सर्च पे प्रेस करना है और उसके बाद में आपको सबसे फर्स्ट पे वेबसाइट मिल जाएगी SSPY UP.gov.in। आपको इस वाले वेबसाइट पर क्लिक करना है और इस वेबसाइट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेंशन की ऑफिशियल वेबसाइट जो है कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा और उसके बाद में आपको इस एड को यहाँ से क्लोज करना है और उसके बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा दिव्यांग पेंशन और यहाँ पर नीचे लिखा होगा योजना के विषय में, तो आपको सिंपली इसी पे टच करना है और उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगला स्टेप कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आवेदक लॉगिन, तो आपको सिंपली आवेदक लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप आवेदक लॉगिन वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगला स्टेप कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा होता है सेलेक्ट पेंशन स्कीम, तो आपको इस पे क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर नीचे दिव्यांग पेंशन लिखा होगा, आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी को अपने फिलअप करना है और जो भी मोबाइल नंबर आपके पेंशन के साथ रजिस्टर्ड होगा आपको उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद में आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा 16 अंक का, तो आपको उस OTP को यहाँ पर एंटर OTP वाले बॉक्स पर टाइप करना है और उसके बाद में इस कैप्चर कोड को यहाँ पर टाइप करके आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड यहाँ पर कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके आवेदन के स्थिति में जो है यहाँ पर तीनों स्टेप वेरीफाइड हैं या नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर तीनों स्टेप यहाँ पर वेरीफाइड नहीं है, जैसा कि इनका दो स्टेप तो वेरीफाइड है लेकिन लास्ट स्टेप यहाँ पर आप देखते हैं तो आधार ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन यहाँ पर इशू लिख के आ रहा है, एरर यहाँ पर लिख के आ रहा है कि एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरीफिकेशन, जैसा कि ये जो है इनको अब दोबारा आधार KYC कराना होगा तभी जो है इनका पेंशन का पैसा आएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप जो है लॉगिन करके अपना आवेदन की स्थिति भी चेक कर सकते हैं, क्या आपके पेंशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत होती है तो आपको ये सब जो है चीज़ सही करा लेना है। मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ जो है आपको सही कराना है। तो अगर आपका कोई सवाल होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले आप पेंशन रिलेटेड संबंधित जानकारी पा सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।